मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस ने एक तस्कर को डीजल टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर गोपनीय रूप से अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 17 क्विंटल 84 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी कीमत 17,84,000 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत संचालित किए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देशन पर पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए भादवा माता गेट के पास बोरदिया फंटा झाड़ा पर एक डीजल के टैंकर में स्कीम बनाकर गोपनीय रूप से छिपाकर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी द्वारा तस्करी में प्रयुक्त एक टैंकर भी जब्त किया है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में थाना नारायणगंज पर आरोपी के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है। वही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। ये थाने के उपनिरीक्षक मनोज महाजन को सूचना मिली तो उस पर से इन्होंने कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ में 17 क्विंटल 84 किलो डोडा चूरा एक टैंकर से बरामद किया है और इस टैंकर में एक विशेष प्रकार की स्कीम बना करके अंदर के सारे पार्टीशंस को खत्म कर दिया गया था, काट दिया गया था। उस पूरे टैंकर को हॉलो करके उसमें डोडा चूरा रखा हुआ था। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, राजू राम पिता सवाई राम सोऊ विश्नोई का ही एक सरनेम है। तो विश्नोई पिपाड़ सिटी जोधपुर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ है। और ये छोटी सादड़ी से लेकर के और यहाँ बोरदिया गांव है पास में, झाड़ा के पास में, वहां से और माल लेने वाला था और फिर आगे जाने वाला था, ऐसा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई।